हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इसके एसी कंट्रोल के बारे में कि इसका एसी कंट्रोल काम कैसे करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसके एसी के बारे में कि एसी वगैरह कैसे हम फंक्शन जानते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये आपका एसी यूनिट है। टाटा में एक अच्छी बात है कि इसमें जो हेड यूनिट दिया गया है एसी के लिए वो आपका बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये ऑटोमेटिक एसी का है। अब जैसे कि आप ये नोब देख सकते हैं, जब इसको आप घुमाएंगे इस साइड तो ये एसी के लिए, इसको हम बंद कर देंगे तो हमारा एसी काम करना बंद कर देगा। इससे हम जब ऑन करते हैं तो ये हमारा एसी ऑन कर हो जाता है, इससे हमें ठंडी हवा मिलती है। और ये जो इस अब रूल देख रहे हैं ये एसी का कंट्रोल है, ये दिखाता है कि एसी का आपको कितनी पावर पे है। और जब आप इस साइड घुमाते हैं तो ये जो रेड वाले हैं लाइट जल जाती है, तो ये मतलब गर्म हवा के लिए है। और हम बात करें इसके, ये तो फैन की स्पीड के है कि कितनी स्पीड चली, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, ये उसके फंक्शन में आते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये है कि बेसिकली आपको पैर के लिए कि आपको अगर अपने पैर पे हवा चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं बटन। अगर आपको ऊपर भी चाहिए और आपको पैर में भी चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं बटन को, जिससे होगा कि आपके पैर को भी हवा लगेगी और आपके फेस पे भी हवा आएगी प्रॉपरली। और ये क्या है, ये टोटल आपके फेस के लिए है कि आपको अपने फेस पे चाहिए तो ये टोटल आपकी सारी हवा आपके फेस पे डैशबोर्ड पे आएगी। और उसके हम बात करते हैं ये इसमें क्या है, डिफॉगर जो फ्रंट वाला वो भी है और आपके पैर दोनों के लिए काम करेगा। इससे क्या दोनों में आएगा, यानी आपके डिफॉगर में जो फ्रंट जो व्हील लगे हैं उसमें भी हवा देगा ये एयर, और आपके पैरों में भी देगा। और फिर ये है आपका डिफॉगर फ्रंट वाले के लिए, इसे जब हम ऑन करते हैं तो फ्रंट डिफॉगर ऑन हो जाता है हमारा। और ये बटन दिया है हमें पूरा सिस्टम को एक ऑफ करने के लिए, इससे हम प्रेस करेंगे तो ये पूरा ऑफ हो जाएगा, फिर इसे हम ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये बटन किस के लिए यूज़ होता है। ये एक्चुअली में यूज़ होता है आपका एयर फ्लो सर्कुलेशन के लिए। अगर हम इसे ऑन रखते हैं तो यानी ये अंदर की हवा जो है रिसर्कुलेट करेगी, यानी अंदर की हवा को लेके ठंडा करके फिर वो हमें ठंडा करके देगी अंदर की हवा। इसमें क्या होता है, कूलिंग अच्छी होती है और आपका ऑयल भी है वो कम लेता है इंजन ठंडा करने के लिए आपको केबिन को। और जब इसे हम ये ऑफ कर देते हो मतलब ये हमें फ्रेश एयर हवा देगा। अगर हमें फ्रेश एयर की जरूरत है तो इसे हम बंद कर देंगे तो ये क्या करेगा, बाहर की हवा को लेके उसे ठंडा करके फिर केबिन में वो देगा। जब इसे हम ऑन कर देंगे तो केबिन की हवा को ठंडा करके वापस हमें देगा। कि आपको ऐसा लग रहा है गाड़ी में ऑक्सीजन की कमी है या फिर आपको घुटन महसूस हो रहा है तो आप इसे बंद करके आप फ्रेश एयर आप ले सकते हैं अंदर की, बाहर से फ्रेश हवा लेके वो ठंडा करके आपको ये एसी बाहर देगा। तो ये पूरी जानकारी थी एसी यूनिट के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।